लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 को एक दौलतमंद पंजाबी ख़ानदान में पैदा हुए जो हिंदुस्तान के सूबा यूपी में बहुत सी ज़मीनों के मालिक थे। लियाकत अली खान अपनी इब्तदाई ज़िंदगी ही से बेहद सरगर्म थे। उन्होंने बचपन में सिर्फ 4 साल की उम्र ही से रोज़े रखने शुरू कर दिए, अगरचे उनकी वालदा इस कम उम्र में रोज़े नहीं रखवाना चाहती थी। उन्होंने अपने एक मुलाजिम से कहा कि वो चुपके से उन्हें सहरी ला दिया करें ताकि वो खाकर रोज़ा रख सकें, और इस बारे में उन्होंने अपनी वालदा को उस वक्त बताया जब वो उनको नाश्ते के लिए बुलाती थी। वो मुहर्रम का महीना भी इसी एहतराम से गुजारते थे। उनकी एक बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने वालिदैन से लेकर आम घरेलू मुलाजमीन तक सबसे यकसा एहतराम से पेश आते थे। उन्हें अपने बचपन से ही दरबार और असम्बली से दिलचस्पी थी और वो बचपन में खेल खेल में दरबार सजाते और अक्सर वज़ीरों के साथ मिलकर मिसाइल हल करने की बात करते। उनके वालिद चाहते थे कि उनका बेटा ज़िंदगी में कामयाब हो, इसलिए उन्होंने लियाकत अली ख़ान को पढ़ने के लिए अलीगढ़ भेजा। स्कूल के ज़माने में सियासत उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा नहीं रही। इस ज़माने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी खेलों और मौसीकी से थी। उन्होंने पियानो की सबक सीखे और शतरंज के खेल का लुत्फ़ उठाया। लियाकत अली ख़ान 1919 में अलीगढ़ से ग्रेजुएट हुए और इसी साल सितंबर में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वो ऑक्सफ़ोर्ड पहुँचे और उन्होंने सेंट कैथरीन्स कॉलेज में दाखिला लिया। ये इनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जब इन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेनी शुरू की, तकरीरों में हिस्सा लिया और इंडियन मजलिस के खाजन बन गए। वापस आने के बाद इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जिसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं था और हिंदू और मुसलमान दोनों उसमें शामिल थे। इस जमात के क़याम का असल मकसद आज़ादी का हुसूल, ज़रई, समाजी और तालीमी असलाहत था। लियाकत अली ख़ान तालीम के बड़े हामी थे, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम की हिमायत करते थे। इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक स्कूल तामीर किया और उसकी माली मदद की। तहरीके पाकिस्तान में लियाकत अली ख़ान की एक बड़ी खिदमत 1930 के अशरे में क़ायद आज़म को हिंदुस्तान वापस आने के लिए आमादा करना था। लियाकत अली ख़ान 12 अप्रैल 1936 को पहली मर्तबा मुस्लिम लीग के एजाजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ये मुस्लिम लीग का इंतहाई अहम अहदा था क्योंकि वो पूरी तंजीम को चलाने के ज़िम्मेदार थे। मुस्लिम लीग की तमाम ख़तो किताबत जनरल सेक्रेटरी के ज़िम्मे थी। मुस्लिम लीग की हिमायत हासिल करने के लिए एक दौरे के दौरान लियाकत अली ख़ान को मालूम हुआ कि बिस्तरों की कमी की वजह से मुस्लिम लीगी कारकुन ज़मीन पर सोते हैं। उन्होंने फौरन अपना बिस्तर कारकुनों के लिए भिजवा दिया और सोफे पर सोने को तरजीह दी। दिसंबर 1939 में लियाकत अली ख़ान ने कायदे आज़म को लिखा कि उनके ख्याल में मुस्लिम लीग के मकासद से लोगों को रोशनास कराने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए डॉन अखबार शुरू किया गया और अब ये मुल्क का इंतहाई मकबूल अंग्रेज़ी अखबार बन चुका है। लियाकत अली ख़ान पर 1946 में अहम जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया जब उनको हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए सरबरा नामज़द किया गया। उन्हें वजारत ख़जाना दी गई और उन्हें हुकूमत का बजट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम के दूसरे दिन लियाकत अली ख़ान ने नए मुल्क के पहले वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया जिसका क़याम खुद उनकी कोशिशों से अमल में आया था।